14 तारीख को सुबह 11 बजे पुलिस हमारे घर पे आई। परिवार साथ हम अंदर बैठे थे, पुलिस अंदर कमरे में गई और उसके बाद क्या नाम है, गाली गलौज देने लगे वहाँ पे और हमको जो है मारे पीटे। और ऊपर जो है हमारी वाइफ ले गए, कहन कमरा खोलो, यहाँ पे जो जो छिपा है कहाँ पे है। तो हम लोग समझ नहीं पाए क्या मैटर था, वो पता नहीं कैसा मैटर यहाँ पे ले आए थे। उसके बाद हमको ले आए, क्या नाम है, वहाँ पे बेइज्जत किए, थाने में बेइज्जत किए, लाकर बंद किए हमको। तो उसके बाद फिर हमको यहाँ थाने में बैठाए रहे। आप क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ जंगजीत। हाँ, इस वक्त थाने का एक गोयला गांव का मामला है और एक वारंट उसी नाम के एक आदमी का था। और थाने से गलवान सिंह दरोगा जी और एक कांस्टेबल गए थे और एक तो मौजूद मिला तो उसको लेते आए। यद्यपि जो हवालात में नहीं डाला गया था, कार्यालय में बैठा था, लेकिन इसके बाद फिर वो जब उसने बताया कि नहीं हमारा नहीं है, और संभव है किसी किसी नाम का एक दूसरा आदमी दूसरे जगह पर आता है, गांव का एक हिस्सा दूसरी जगह पर है, तब फिर उस आदमी को छोड़ दिया गया और जो वास्तविक जिसके खिलाफ वारंट था उसको लाया गया। हार्डली एक घंटे के अंदर में फिर जब वेरीफाई हो गया तो फिर उस आदमी को छोड़ दिया गया। शिकायत महिलाओं के साथ अवैध होता, इसकी जाँच की जा रही है आगे से, यदि होंगे तो इसमें कार्रवाई की जाएगी। अंबेडकर नगर पुलिस के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों ने डीजीपी को पत्र लिखा है। इस पत्र में ये कहा गया है कि एक वारंटी को पकड़ने के लिए जो पुलिस गई हुई थी, उस वारंटी को ना पकड़ के एक निर्दोष व्यक्ति को थाने ले गई, जहां पर उसके परिवार और उसके घर के लोगों के साथ पुलिस ने अभद्रता की है। साथ ही उस निर्दोष को थाने में घंटों बैठाए रखा। जब पुलिस को ये मामला पता चला कि वो निर्दोष है, तो उसके बाद पुलिस ने उसको छोड़ दिया। अब इस पूरे मामले की जानकारी के बाद यूपी सरकार के दो मंत्रियों ने डीजीपी को पत्र लिखा है और ये मांग की है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पंकज मिश्रा, ईटीवी भारत, अंबेडकर नगर।